प्रदेश के जनपद महोबा के ग्राम नरटरा में बीते दिनों बुजुर्ग महिला और उसकी युवा नातिन के मकान के अंदर सौ मिलने से हड़कंप मच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो जाने से पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। इलाकाई पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि असनई के चलते हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मामला कोतवाली पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम नरटरा का है, जहां बीते दिनों सूने मकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में 66 वर्षीय दया रानी का शव बिस्तर पर व उसके 16 वर्षीय नातिन सुनीता का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया था। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो जाने से पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। तो वहीं इलाकाई पुलिस ने देवेंद्र, हरदयाल, रोहित व प्रिंस नामक युवकों को गिरफ्तार करते हुए मामला का पर्दाफाश किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि असनई के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सर, दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, क्या ये पूरा मामला? ये दिनांक 22 अगस्त को गांव नटरा थाना पनवाड़ी में एक बुढ़िया और उसकी नातिन दोनों की हत्या कर दी गई थी, और ऐसा शो करने का प्रयास किया गया था कि नातिन ने अपनी दादी को मार दिया और फिर फांसी पे लटक गई है। पुलिस ने बिल्कुल ही संदेह जो घटना थी उसका आज खुलासा किया है। पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक और थाना पनवाड़ी और एसओजी की टीम द्वारा इसमें जो बिल्कुल ब्लाइंड टाइप के डबल मर्डर था उसका पूरा विवेचना की गई, और पता करने पर पता चला कि देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो होती थी सुनीता, उससे बातचीत थी उसकी, और उसे ये जानकारी हुई थी कि लड़की किसी और लड़के से भी बातचीत कर रही है। उसी से नाराज होकर 22 तारीख में ये अपने दोस्तों के साथ आया। पहले तो अंदर घुसने की कोशिश की, जहाँ पर उसकी दादी जाग गई तो पहले तो उन्होंने उसकी दादी को मार डाला, और फिर लड़की जब घबरा गई तो उसने बताया कि मैं ये बात सबको बता दूंगी, तो उन्होंने लड़की को भी मार डाला। चारों अभियुक्त को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम को सर इनाम कुछ? गिरफ्तार करने वाली टीम को हमारी तरफ से 5,000 रुपये का इनाम, और हमारे जो आईजी साहब से बात हुई है उन्होंने भी पुलिस पूरी टीम की सराहना की, उनके द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर में थाना पनवाड़ी से तीन टीमें बनी हुई थी, एसओजी और सर्वेलेंस की टीम बनी हुई थी, और पूरा निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक और सी कुलपाड़ के उसमें पूरी घटना का अनावरण किया गया। थैंक यू सर। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, महोबा।